घर पर चूल्हे पर काम करते समय आग लगने से एक किशोरी झुलस गई जिसकी मौत हो गई। मृतिका कल्पना इटावा की निमोदा की निवासी थी। 14 वर्षीय कल्पना अपने ही घर पर चाय बना रही थी, इसी दौरान कपड़ों में आग लग गई। गंभीर हालत में कल्पना को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे MBS अस्पताल के बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया। बर्न वार्ड में इलाज के दौरान कल्पना ने दम तोड़ दिया। MBS अस्पताल की मोर्ची में रखवाए गए मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सपोर्ट कर दिया गया है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि एक बच्ची है कल्पना सुरेश कुमार निवासी इटावा की रहने वाली है, जिसकी जलने से मरती हुई है, जिसकी डेड बॉडियां रखी हुई है मोर्चड़ी में, इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जलने के कारणों की जांच की जाएगी। जिसके पिताजी ने बताया और रिपोर्ट दी है कि चाय बनाते वक्त जलने से मैं दौड़ कर गया, मैंने उसको बुझाया, फिर पत्नी आई मेरी, उसने भी पानी डाला, उसके बाद हमें वो CHC इटावा ले गए। इटावा से रेफर होने के बाद कोटा MBS आए, यहाँ दौरान इलाज, रात्रि के 3 बजे मृत्यु हो गई।